हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर। और आज हम नीट 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले 45 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ द शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग द बीकानेरी ईव एंड द मेरिनो रैम्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे क्या हुआ था, बीकानेरी ईव है जो, और इसका जो ब्रीडिंग है वो करवाया गया था मेरिनो रैम से। और इन दोनों से क्या प्रोड्यूस हुआ था, न्यू ब्रीड डेवलप हुआ था जिसको क्या बोल रहे थे, हिसारडेल बोल रहे थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों ही क्या है, सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं बट ब्रीड डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्रॉस ब्रीडिंग इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट रहते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम, DJI। जो इलियम है वो कहाँ ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, तो इनकोरेक्ट है, करेक्ट हमें सेलेक्ट करनी है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सिरोसा इनर मोस्ट नहीं होती, ये भी इनकोरेक्ट है, सिरोसा तो आउटर मोस्ट होती है। इनर मोस्ट क्या होती है, म्यूकोसा होती है, देन क्या होती है, सब म्यूकोसा होती है, और देन क्या होती है, सिरोसा होती है, इनकोरेक्ट है। इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट। इलियम क्या रहता है, हाईली कॉइल्ड पार्ट रहता है, करेक्ट है, करेक्ट ही सिलेक्ट करना था। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से अराइज नहीं होता, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहाँ पे इलियम कंबाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, आके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से कंबाइन होता है, वहां पे क्या फॉर्म होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिसियम से हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन होता है, तो 2 के साथ मैच हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या ऑब्टेन होता है, जो ट्राइकोडर्मा है इससे साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन होता है, और मोनेस्कस परप्यूरियस है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, तो 4th हो जाएगा इसका, और एस्परजिलस निगर से सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। प्रजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस है उसका जो सिम्टम है, वन ऑफ द सिम्टम क्या रहता है, जो यूरिन है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है, और क्या होता है, कीटोन बॉडीज मिलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन्यूरिया एंड द ग्लाइकोसूरिया विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च रहती है इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका किसमें रिजर्व फूड देखते हैं हम, जो क्या है, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में क्या रहता है, स्टार्च रहता है रिजर्व फूड, और जो फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी है, इसके अंदर लेमिनेरियन रहता है, और जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी के अंदर क्या मिलता है, फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो इसकी रिसेम्बलेंस है फ्लोरिडियन स्टार्च की, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, और किससे मिलता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द STDs। STDs है, सेलेक्ट करना है STD का पेयर, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीरिया, जेनाइटल हर्पीस तीनों ही क्या है, STD है, गोनोरिया बैक्टीरियल है, साइफिलिस क्या है, बैक्टीरियल है, और जेनाइटल हर्पीस क्या है, वायरल है। इसके अंदर देखें तो मलेरिया क्या आ जाता है, STD नहीं है, और इधर मलेरिया, फिलेरिया, STD नहीं है, और इधर क्या है, जो कैंसर है वो STD नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1st हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस। मैच करना है, स्टेजेस दी हुई है, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसकी अलग अलग स्टेज रहती है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। लास्ट की 4 स्टेजेस दी हुई है। जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन के अंदर साइनेप्सिस होती है, पेयरिंग भी बोलते हैं, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है, और डिप्लोटिन में क्या रहेगा, चाइजमेटा रहेगा, जो एक्स शेप की बॉडी बनती है, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी सेलेक्ट करनी है, लेमिनेरिया, सार्गेसम क्या है, दोनों जो लेमिनेरिया और सार्गेसम क्या है, जो ये क्या है, ब्राउन एल्गी के अंदर आती है, और ब्राउन एल्गी कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होती। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी में आती है, रेड एल्गी भी क्या है, मल्टीसेलुलर होती है, एक्सेप्ट 1 पोरफायरिडियम है एक, जो क्या होती है, यूनिसेलुलर है, बट है रेड एल्गी में। इसके अलावा सारी की सारी क्या रहती है, मल्टीसेलुलर रहती है। और नेक्स्ट एनाबिना, वॉलवॉक्स कॉलोनियल है। लास्ट ऑप्शन है क्लोरेला एंड द स्पाइरलिना। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरेला और स्पाइरलिना क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ द ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। जो 14th डे को ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, इसको ओवुलेशन बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? जब हम हार्मोन का साइकिल पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो फोर हार्मोन है, ठीक है, जो FSH है वो क्या होता है, 14th डे पे इंक्रीज हो जाता है, पीक पीक मिलता है। LH का भी हमें क्या मिलता है, 14th डे पे पीक मिलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन के हमें टू पीक मिलते हैं, एक 14th डे के अराउंड मिलता है और एक क्या है आगे जो लेटर साइकिल में मिलता है, ठीक है। प्रोजेस्टिरोन है, प्रोजेस्टिरोन के भी हमें क्या ऑब्टेन होते हैं, एक ही पीक ऑब्टेन होता है, बट वो कहाँ ऑब्टेन होता है, एट द एंड ऑफ साइकिल, टुवर्ड द एंड ऑफ साइकिल ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो अगर ये LH और FSH का हाई कंसेंट्रेशन होती तो करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, इस टाइम पे 14th डे पे क्या मिल रही है, एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन हाई मिल रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का तो लेटर स्टेज में हाई कंसेंट्रेशन होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बीटीकोटिनिन है, बीटीकोटिन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, बेसिलस थुरिंजिनेसिस से रिलेटेड है, और जो ADA है, ADA किसके लिए होता है, जीन थेरेपी में यूज हो रहे हैं, जो जीन थेरेपी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं, RNAi जो RNA इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस की फॉर्म में यूज की जाती है, और PCR का किसका यूज करते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, मोनोट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ। तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था फॉर द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द वायरोइड्स। तो वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो वायरोइड्स हैं, वायरोइड्स क्या रहते हैं, इनके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है लेकिन कोई प्रोटीन कोट नहीं मिलता, ठीक है। प्रियोन्स हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन कोट मिलता है बट इनके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव फ्री RNA और जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या रहता है, RNA रहता है विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट है ओवरी, द ओवरी इज द हाफ इन्फीरियर इन। हाफ इन्फीरियर किस किस में मिलती है हमें देखने के लिए, पीच पलम और रोज के अंदर मिलती है, पीच पलम और रोज के अंदर मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। जो एंजाइम एंट्रोकाइनेज है वो किसमें हेल्प करता है, ट्रिप्सिनोजन को किसमें एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करता है, ठीक है। और एंट्रोकाइनेज कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, जो सकस एंटेरिकस है, मीन्स इंटेस्टिनल जूस है, उसके अंदर क्या मिल रहा है, ये एंजाइम मिल रहा है और किसको किसमें कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मैच द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ट्रॉफिक लेवल दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ग्रास हो गया, सेकंड में क्या होगा, रैबिट रहेगा, और थर्ड में क्या रहेगा, क्रो रहेगा, और फोर्थ में क्या रहेगा, वल्चर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मेनी ट्रू ब्रीड्स पी प्लांट्स वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्टेड एज अ पेयर विच वर द सिमिलर एक्सेप्ट इन द वन करेक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो आंसर क्या होगा इसका, 14 विल बी इट्स आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, द मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें जो ईयर है उसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या रोल रहता है, उनको मैच करना है। तो ऑर्गन ऑफ जो कोटाई है वो कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, और कोकलिया है, कोकलिया क्या रहता है, कोल्ड पार्ट रहता है। स्ट्रीजियन ट्यूब क्या होती है, कनेक्ट करती है जो मिडल ईयर को फेरिंग से, और स्टेपिज क्या है, अटैच टू द ओवल विंडो से स्टेपिज अटैच रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, इन द वाटर हाइसिंथ एंड द वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस। द वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है, इनमें पोलिनेशन किससे होती है, दोनों मिल रहे हैं वाटर के अंदर, एक्वेटिक है, बट पोलिनेशन वाटर से ना होकर किससे हो रही है, इंसेक्ट और विंड से हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन द स्प्रिंग ऑन द सुगर केन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द सुगर केन क्रॉप। तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लांट को इलोंगेशन कौन करवाता है, जिब्रेलिन करवाता है, इसी बेस पे इसकी डिस्कवरी भी हुई थी। तो सुगर कंटेंट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, जिब्रेलिन रहेंगे। इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। जो लाइट रिएक्शन हम देखते हैं, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं, तो पहले क्या रहता है, PS2 रहता है, ऐसे PS2 चलता है, इधर क्या रहता है, PS1 रहता है, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, दोनों को क्या पूछा हुआ है, जो प्लास्टोक्विनोन है, तो क्या रहता है, प्लास्टोक्विनोन रहता है, वो किसको इलेक्ट्रॉन पास करता है, साइटोक्रोम B6 को पास करता है, साइटोक्रोम को, और देन किसको, प्लास्टोसाइनिन के पास पास होता है, ठीक है, और फाइनली PS1 के पास। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, जो फोटोसिस्टम 2 है वो किसको पास करता है, 2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को पास करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी
सब्सटेंस बर्निंग द सीट डोरमेंसी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, जिब्रेलिक एसिड रहेगा, ये सीट डोरमेंसी को ना मेंटेन करते हुए उसको जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो वही पूछा था, नॉट एन इनहिबिटरी। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स ओपन कौन करता है, डीएनए हेलिकेज ओपन करता है, डीएनए लाइगेज जॉइनिंग के लिए काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द डायूरेसिस। तो जो एक्स्ट्रा यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है इसको कौन प्रिवेंट करता है, इसके लिए क्या मैकेनिज्म रहता है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। अंडर सिक्रेशन नहीं, अगर हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन होता तो कंट्रोल हो सकता था। नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल ड्यू टू द एल्डोस्टिरोन। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा, पहले जो सोडियम आयन है एल्डोस्टिरोन की हेल्प से वो रीअब्जॉर्ब होंगे और फाइनली वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। एड्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कॉज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करते, ये वैसो डायलेटर की तरह काम करते हैं। डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय द जी जे सेल्स। तो डिक्रीज नहीं होता रेनिन से, जे जे सेल्स का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज, रेनिन का डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज करते हैं। तो ये भी इनकोरेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, इन रिलेशन टू द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सी रहेगी, जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको हम निकालते हैं ग्रोस में से क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोस है वो क्या रहेगी, और नेट प्लस में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस में रेस्पिरेशन रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एचसीजी सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ ओवम है। नेक्स्ट, बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट, लेडिक सेल्स है वो क्या करती है, एंड्रोजन को रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, फोर्थ विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, स्ट्रोबिलाई और द कॉन्स आर फाउंड इन जनरली जिम्नोस्पर्म में मिलती है, बट इसके अलावा हमें एक जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर भी मिलते हैं, उस टेरिडोफाइट का नाम क्या है, एक्विसिटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सम इंडिविजुअल्स सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेट स्टेज, दिस इज द कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज या फिर जीनोट फेज बोलते हैं। दिस प्रोसेस ओकर, क्या होता है, जनरली जीवन है, जीवन से क्या होती है, किस में एंटर करती है, एस में एंटर करती है, और एस के बाद क्या आता है, जी टू आता है, और जी टू के बाद क्या आता है, एम आता है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है, बट क्या होता है, जिन सेल को डिवाइड नहीं करना वो जीवन से कहाँ एंटर कर जाती है, जी नोट में एंटर कर जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जीवन फेज से वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, जी नोट में एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड द डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। पेंगुइन क्या है, बर्ड्स हैं, और डॉल्फिन क्या है, मैमल्स हैं। दोनों के एंसेस्टर क्या हैं, अलग अलग हैं, बट क्या है, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। तो कौन सा इवोल्यूशन रहता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रहेगा, मीन्स एनालोगस का एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन का। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, डीएनए की लेंथ पूछी हुई है, डीएनए की लेंथ कितनी रहेगी, डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका 2.2 मीटर। नेक्स्ट ईसीजी से क्वेश्चन है, ईसीजी में हमें क्या है, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको डिनोट करता है। तो जो ईसीजी रहती है, पहले हमें क्या ऑब्टेन होती है, पी वेव ऑब्टेन होती है, देन पी वेव रहती है, देन क्या होती है, क्यूआरएस ऑब्टेन होती है, क्यूआरएस, ठीक है, और फाइनली हमें क्या ऑब्टेन होती है, फाइनली हमें टी वेव ऑब्टेन होती है। तो पी किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है जो ओरिकल्स होते हैं उनके डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, और क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो अभी ओरिकल का डिपोलराइजेशन हुआ था उसको रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और साथ में किसको रिप्रेजेंट करती है, ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो क्यू आर एस ही पूछा था, ठीक है, और जो टी वेव रहती है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करना है, इजिनोफिल का काम क्या रहता है, रिलीज द हिस्टेमाइन एंड द डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। बेसोफिल्स का काम क्या रहता है, रिलीज द ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग द हिस्टेमाइन। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या रहता है, फेगोसाइटोसिस की तरह एक्ट करती हैं, और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स लेके आते हैं, बी ओ टी लिम्फोसाइट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, फर्स्ट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ है, एडेनिन क्या करता है, थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, ए और टी की पेयरिंग होती है, और डबल बॉन्ड के साथ वो पेयरिंग होती है। तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। तो कौन कंट्रोल करता है, ओरिसाइट कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओरिसाइट।
आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करना है तो क्या हो जाएगा, लाइसिन विल बी इट्स आंसर रहेगा। इसके अलावा कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड रहते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडिन आर द सम अनदर बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, मैच करना है इनको। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर दे रखे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या रहता है, डायबिटीज इंसिपिडस रहता है। थायराइड के लिए क्या रहेगा, ग्रेव्स डिजीज रहेगा। एड्रिनल ग्लैंड के लिए क्या रहेगा, एडिसन्स डिजीज रहेगा। और पेनक्रियाज के लिए क्या रहेगा, डायबिटीज मेलाइटिस शुगर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट बताना है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ग्लूकोगन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोगन किसके, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, ये हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रेटिक सेल, एक्ट नहीं करता, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर नहीं हाइपोग्लाइसीमिया करता है। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। क्या रहता है, कोलेजन रहता है मोस्ट अबंडेंट। अगर एंजाइम पूछते तो क्या रहता है, रूबिस्को एंजाइम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो सेटन एंड बोवरी ने दी थी, सेटन एंड बोवरी। बट जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो किसने दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मॉर्गन ने। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, टी एच मॉर्गन विल बी इट्स करेक्ट आंसर, थॉमस हंट मॉर्गन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करना है फ्लोटिंग रिब्स क्या रहती हैं, जो डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, जो कनेक्ट ही नहीं करती। और एक्रोमियन है, एक्रोमियन क्या रहता है, क्लेविकल, जो पीछे ट्रेंगुलर बोन रहती है, ठीक है। और सॉरी नेक्स्ट क्या है, स्कैपुला है, स्कैपुला क्या रहेगा, हाँ ट्रेंगुलर बोन ये रहती है, स्कैपुला क्या रहती है, लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब। तो जो ट्रेंगुलर बोन होती है पीछे की तरफ, बैकबोन की तरफ, बैकबोन की साइड कहाँ लोकेटेड होती है, सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में लोकेटेड होती है। नेक्स्ट है ग्लिनोइड कैविटी, जहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन द वन टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रैब साइकिल है उसमें क्या होता है, जीटीपी प्रोड्यूस होती है। डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे पूछा हुआ तो एक जीटीपी प्रोड्यूस होती है, और उस जीटीपी हम क्या पढ़ते हैं कि एटीपी बना लेते हैं। तो सिर्फ एक ही एटीपी प्रोड्यूस होती है वन टर्न में, तो करेक्ट आंसर वन रहेगा। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स इन। तो डिसोल्यूशन कब होता है उसका, डिप्लोटिन स्टेज में होता है, ठीक है। बन कब रहा था, जाइगोटिन में रहा था। क्रॉसिंग ओवर कब हो रही थी, पैकेटिन में हो रही थी, ठीक है। और जो चाइजमेटा बन रहा था वो कब बन रहा था, डिप्लोटीन में बन रहा था। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड द एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। तो बायलेटरल टीनोफोरा में नहीं होती, और प्लेटी हेलमिंथ, एसकी हेलमिंथ, एनलिडा, इनमें बायलेटरल तो मिल रही है, बट एसिलोमेट पूछा हुआ है। तो प्लेटी हेलमिंथ क्या रहते हैं, एसिलोमेट रहते हैं, एसकी हेलमिंथ सीडोसिलोमेट होते हैं, और एनलिडा में सिलोम मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फनिकल। तो जो फनिकल जो रहता है, स्टाक रहता है, ओव्यूल का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, इनर इंटैगमेंट हो गई या आउटर इंटैगमेंट हो गई। तो जहाँ फ्यूजन होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम कहलाता है वो एरिया जहाँ से जो स्टाक है ओव्यूल का वो फ्यूज होता है फनिकल जो है बॉडी के साथ फ्यूज होता है, उसको हाइलम बोलते हैं उस पॉइंट को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो गोबलेट सेल्स क्या रहती है, जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, और किसकी मॉडिफिकेशन होती है, वो एपिथेलियम की होती है, और वो भी कौन सी, कोलुमनर एपिथेलियम की होती है। लास्ट क्वेश्चन है स्नो ब्लाइंडनेस इन द अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, क्या रीजन रहता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू द हाई डोज ऑफ द यूवीबी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन का क्या होता है, हाई डोज होती है, और जिसकी वजह से कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो सेकंड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। ओके।